आरबीआई के अंडर में आता है, ठीक है, तो ये 100% लीगल बिजनेस होता है और आप लोग विदाउट टेंशन से ये बिजनेस को प्रमोट कर सकती हो और बिजनेस कर सकती हो। बीबीबीएस में क्या आ रहा है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और डैडी का भी कल का भी एक ऑडियो था जो हम लोग का, आप 2-4 दिन में आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक बिल है या मोबाइल रिचार्ज है, थोड़ा वेट करो, 2-4 दिन वेट करो, आप इधर से ही कर सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक बिल, LIC प्रीमियम, पोस्ट पेड जितना सारा बिल भी है, और गैस बिल, लैंडलाइन, इंश्योरेंस का प्रीमियम, टोल टैक्स में जितना गाड़ी टोल टोल क्रॉस करता है उसका भी फास्ट टैग से हम लोग इधर पेमेंट दे सकते हैं, लोन EMI, जितना सारा लोन है, या बैंकिंग लोन हो या स्मॉल फाइनेंस लोन हो, इधर से आप लोग EMI दे सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स, हॉस्पिटल, हाउस सुसाइड में कुछ टैक्स रहता है बड़ा बड़ा सिटी में, वो भी दे सकते हैं। केबल टीवी रिचार्ज, हॉस्पिटल बिल, एजुकेशन फीस, स्कूल कॉलेज का एजुकेशन का फी हम दे सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्टल हो या बैंक हो, रिकरिंग डिपॉजिट को तो इधर से भी दे सकती हो, क्लब और एसोसिएशन का बिल भी या जो भी हो पेमेंट आप दे सकती हो। और सबसे बड़ा बात है ट्रैवल क्षेत्र में, जितना सारा ट्रैवल के लिए यूज है, होटल, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, कैब बुकिंग, होटल बुकिंग, पूरा कंप्लीट ट्रैवल में आता है, वो भी आप इधर से ही बुकिंग कर सकते हो और दूसरा साइड में आपको जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे थे, होटल के लिए दूसरा साइड में जाते थे, ट्रैवल के लिए दूसरा साइड में जाते थे, अभी ये एक आप ऑल सर्विस एंड गुड्स एक आप में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और सबसे काल मुझे भी जानने के लिए बहुत इच्छुक है, ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, अमेजो, वो कैसे हम लोग का साइड में आके उन लोग का प्रोडक्ट हम लोग को सेल करेंगे, ये सबसे बहुत बड़ा अट्रैक्टिव चीज है। एक कैसा है मुझे भी मालूम नहीं, डिटेल्स में जानना पड़ेगा, मगर ये सचमुच में ये लोग हम लोग का साइड में आके उनका प्रोडक्ट को सेल कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा चीज होगा, बहुत बड़ा चीज होगा। क्यों, हम लोग को इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा, अमेजन के पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट में बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो उसी प्रोडक्ट को हम बाय सेल करते रहेंगे और इधर कमीशन जनरेट करेंगे 25 लेवल तक। MPC भी आएगा और रिवार्ड पॉइंट भी आएगा। माइनेंट में क्या क्या आ रहा है, आप माइनेंट में बाई करो या आपका टीम बाई करे, आपको रिवार्ड पॉइंट जनरेट होगा, जो रिवार्ड पॉइंट उधर 1 रुपया करके है, माइनेंट रिवार्ड पॉइंट वो जनरेट होगा, MPC भी जनरेट होगा और डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट कोई चीज हम बाई किया उसमें भी कुछ डिस्काउंट का हिसाब से रिवार्ड पॉइंट आएगा, तीनों तरफ से हमको बेनिफिट आएगा, एक डिस्काउंट आएगा, दो रिवार्ड पॉइंट आएगा, तीन MPC आएगा, तीनों तरीका सा इनकम होगा। और खुद जो बाई करे खुद को तो डिस्काउंट है, कॉइन भी यूज हो रहा है, ये सब मिला के हम लोग 4-5 वेराइटी का इधर बेनिफिट ले सकते हैं। एक जबरदस्त हम लोग का वेटिंग पीरियड का टाइम खत्म होने जा रहा है, आप टोटल टीम को जगाइए और डायरेक्ट में जितना माइनेड में डायरेक्ट में टीम लगाना है लगाइए। और क्या है, पैन कार्ड सर्विस, हम लोग इधर से भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और मूवी टिकट्स, मूवी टिकट जितना सारा मूवी आ रहा है, जैसे मूवी टिकट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मेक माई शो, मेक माई शो जो आपको यूज करके मूवी टिकट बाय कर रहे थे या पेटीएम से भी हो रहा था, अभी हमें इधर से भी हम कर सकते हैं, भी बहुत बड़ा चीज है। अभी जो आप लोग का ऑफलाइन लीडर सब आ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे वो उनको आना ही पड़ेगा, वो सिस्टम ऐसे रखा गया है जी, आपको कॉइन सेल करना है तो इधर आप कीबो में आओ, या छुप के काम करो या फ्रंट में आके काम करो, मगर आपको करना ही पड़ेगा, क्यों, आप नहीं तो आप कॉइन को सेल नहीं कर पाओ।
ये गया माइनेट का बारे में। जैसे जैसे एक एक पेज आता है ऐसे ऐसे हम आपको बोलते जाएंगे, और इंतजार का टाइम ज्यादा नहीं है, 2 4 5 दिन का टाइम है, इस मंथ भर शायद आ जाएगा। जब आएगा हुआ था शुरुआत, कॉइन हमको सेल करना है कैसे, हाउ टू सेल कीबो कॉइन, क्यों ये कॉइन इसमें सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग जब ज्वाइन किया था कॉइन के वजह से ज्वाइन किया था, लालच कॉइन ज्यादा मिलेगा, हम लोग कॉइन बेच के सारा लाइफ एक पैसिव इनकम आएगा, डैडी का तरफ से सेविंग अकाउंट एक गिफ्ट है, कॉइन जनरेट करने का एक फैक्ट्री हमको मशीन दे दिए हैं डैडी, वो जो कॉइन जनरेट हो रहा है वो कॉइन को हम लोग कैसे सेल कर, ठीक है। सेल करने के लिए कुछ स्टेप है, वो स्टेप हम सबको लेना पड़ेगा, स्पेशली जो नया फ्रेंड है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। देखिए आपको सेविंग अकाउंट में केवाईसी करना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप। केवाईसी ओल्ड केवाईसी, न्यू केवाईसी, केवाईसी अपडेट, तीनों टाइप का केवाईसी आपको करना पड़ेगा। केवाईसी होने के बाद बीसीटी का रेफरल लिंक लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, जो एक्टिव ऑफलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन सफिशियंट नहीं है, जो एक्टिव ऑफलाइन है उनसे आपको रेफरल लिंक लेना पड़ेगा और बीसीटी में अकाउंट बनाना पड़ेगा। बीसीटी में अकाउंट हो गया, ट्रांसफर कॉइन टू बीसीटी, एसबी अकाउंट से आपको बीसीटी में कॉइन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना कॉइन जा सकता है, आपका सेविंग अकाउंट में जितना सेलेबल कॉइन शो कर रहा है वो कॉइन को 12 में डिवाइड करो, एक टुकड़ा बीसीटी में लेके जाओ। नेक्स्ट मंथ जितना कॉइन दिखा रहा है सेलेबल में उसको भी 12 में डिवाइड करो, एक टुकड़ा लेके जाओ। ऐसे ऐसे हर महीने आपका कॉइन जाता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, कॉइन आपका चला गया बीसीटी में, कॉइन को इधर बाई सेल में लगाना है। सेल में कितना प्राइस में लगाना है, 100 प्राइस में लगाना, क्यों, 1,30,000 करीब करीब कॉइन सेल करने के लिए 100 में लग चुका है। आप 100 से ज्यादा करोगे तो तुरंत आपका सेल नहीं होगा, बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए अभी आप 100 में दीजिए। जैसे ही उधर से 2,30,000 का ऑर्डर उठ जाता है, उसका बाद आप ये प्राइस को बढ़ा सकते हो, एक एक 10 कर सकते हो, एक 20 कर सकते हो, या एक 25 कर सकती हो, ऐसे ऐसे बढ़ा सकती हो, मगर अभी आपको ऑर्डर 100 में देना पड़ेगा। 100 में आपका कॉइन सेल हो गया, सेल होने के बाद आपका 100 में प्रॉफिट बनता है तो आप इसको बैंक में लेके जाओ, 100 में प्रॉफिट नहीं बनता है तो दोबारा इसको उसी रुपया से बीसीटी में बाइक बाई करने से क्या होगा, इस सेल बाई हम क्यों करेंगे, जब हमको रुपया नहीं लेना है तो हम क्यों सेल करेंगे, क्यों बाई करेंगे, उसका आंसर है कि बाई सेल ये जो प्रोसेस में आप बीसीटी में जो कॉइन परचेज कर रहे हो वो कॉइन का प्राइस माइनेट में या के एक्सचेंज में, वो प्राइस 100 बाई किया प्राइस आपको 500 का गारंटी देता है। आप माइनेट में एक कॉइन को लेके जाओगे, एक कॉइन लेके जाओगे उधर जाके वो हो जाएगा 500 रिवार्ड पॉइंट, एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू 500। क्यों, हम जब लीगल बिजनेस करेंगे ना उधर कॉइन कॉइन नहीं बोल सकते, कॉइन होगा तो वो दिक्कत हो जाए, भारत सरकार उसको नहीं माने, या दूसरा कोई ये उसको नहीं मानेंगे, उसको हम उधर रिवार्ड पॉइंट बोलेंगे। जैसे दूसरा सब साइट हो, दुकान हो, बाजार हो, सब जगह रिवार्ड पॉइंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, उसी तरह हम इधर इसको रिवार्ड पॉइंट बोलेंगे। मगर रिवार्ड पॉइंट हो या कॉइन हो, हम लोग को क्या, हमको सेम वैल्यू दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर बीसीटी में जब एक कॉइन हम उधर सेंड कर रहे हैं वो माइनेट में जाके 1 रुपया करके आपका 500 रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है, तो एक ही बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो माइनेट में आप यूज करने चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं आपको ट्रेडिंग करना है, आपको सेल करना है
ब्लॉक में, तो आप क्या करो, नेक्स्ट के एक्सचेंज में अकाउंट खोलो। के एक्सचेंज अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरल का जरूरत नहीं है, वो एसबीआई केजीएन नंबर के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए एसबीआई अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा, गूगल ब्राउजर में www.keexchange.co टाइप करके क्लिक करने से आपको केवाईसी करने का और अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। ये सब आपका जो एक्टिव अपलाइन, ये उनका काम है, हम लोग को भी ट्रेनिंग में ये सब दिखा रहे थे। अकाउंट बन गया, नेक्स्ट स्टेप है, सिक्स्थ नंबर स्टेप है, ट्रांसफर कॉइन बीसीटी टू के एक्सचेंज। बीसीटी में जो कॉइन आप परचेज किया, वो कॉइन को आप ट्रांसफर करके लेके जाओ के एक्सचेंज। कितना ट्रांसफर कर सकती हो, एक ट्रांजेक्शन में 10 कॉइन आप ट्रांसफर कर सकती हो। 10 कॉइन सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया, और दोबारा आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइन आपका के एक्सचेंज में चला गया, ये जो कॉइन है के एक्सचेंज में गया, तो इसका बेनिफिट क्या है, कॉइन मिनिमम प्राइस 500 हो गया। 100 कॉइन जब के एक्सचेंज में आप सेंड कर दिया, वो कॉइन 500 का गारंटी हो गया, 500 से नीचे नहीं जाएगा, 500% का प्रॉफिट। कॉइन चला गया उधर के एक्सचेंज में, के एक्सचेंज में भी आपको कॉइन को सेल करने के लिए लाइन में लग जाओ। उधर भी लगभग 90,000 से ज्यादा कॉइन ऑलरेडी सेल में लग चुका है। आप भी कुछ कॉइन के एक्सचेंज में लेके जाओ और कुछ कॉइन माइनिंग में लेके रखो। ये अभी आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी में काम, जो भी नया फ्रेंड हम लोग के साथ जुड़े हैं, प्लीज ये काम आपको करना पड़ेगा। ये आपको मालूम नहीं है केवाईसी कैसा है, बीसीटी में कैसा करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जो अभी ऑफलाइन आपका आपका एक्टिव ऑफलाइन आपको जो भी रेफरल दे रहा है, ये इनका काम है आपको समझाना। और